आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे लेके जाने वाला हूँ, भद्रवाह की ऑफबीट लोकेशन है, वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन जाई घाटी। बहुत ही बड़ा मीडोज और हरे भरे घास का मैदान है वहाँ पे, इट्स अ वेरी वाइड वैली, वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ ऑफबीट लोकेशन। अभी प्रेजेंटली आई एम ट्रेवलिंग ऑन दिस द्रुटू भालरा चिंता एंड जाई घाटी रोड। आज मेरे टूर के साथी हैं अशोक सोनवने, ये पुणे से आए हैं और ये लद्दाख टूर में भी मेरे साथ में। तो अशोक जी कैसा लग रहा है, कल रात को पहुंचे आप यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज हमने सुबह एक छोटा सा ट्रैक भी किया सुभारबनी में और जम्मू से बाइक लेके आ रहे हैं, जम्मू तक ये ट्रेन में और फ्लाइट में आए थे पुणे से, और साथ में रवि सर आए हैं उडुपी से, बेंगलोर से। जाई घाटी और जाई वैली एक बहुत ही खूबसूरत ऑफबीट लोकेशन है जो कि भद्रवाह से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। जाई घाटी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, दोनों तरफ रोड के देवदार। रास्ते में आपको चिंता घाटी या चिंता वैली भी नज़र आएगी जिसका खूबसूरत नज़ारा देखने को ही बनता है। चिंता गांव के बाद जाई घाटी तक आपको कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिलेगा। भद्रवाह टाउन से जाई घाटी तक पहुंचने में आप करीबन 2 से 3 हज़ार फीट का एलिवेशन गेन करते हैं। सो गाइज, दिस इज जाई घाटी, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। एक्चुअली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हैं, प्लेन एरिया भी हैं बीच में। हैं मुश्ताक, क्या घोड़ा कितना उम्र है इसका घोड़े का, तेरे से बड़ा है कि छोटा है? हैं छोटा है। कितने पैसे लेता है? 50 रुपये एक घंटे के। तो गाइस वी जस्ट रीच्ड जाई घाटी, बहुत शानदार नज़ारा यहाँ पे। यू कैन सी द पीपल अराउंड, सम पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, सम पीपल हैव कुक्ड ऑन दिस चूल्हा, लकड़ी वाला चूल्हा जलाया था यहाँ पे। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पे, सूखी लकड़ी वगैरह काफ़ी पड़ी है। तो यू कैन कम हियर फॉर अ डे ऑफ फॉर पिकनिक एंड आई थिंक पीपल आर रियली रियली एंजॉइंग। चिल्ला हमने खाना बनाया है, कोई लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। आई थिंक शाम तक सारे चले जाएंगे। यहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है, सारा का सारा स्टेट लैंड है। तो जब थोड़ा टूरिस्ट सीजन, टूरिस्ट रश वगैरह होता है तो उस टाइम पे लोग यहाँ पे अपना आते हैं, और उसके बाद टेंट्स शेंट्स वगैरह लगते हैं। टेंट अकोमोडेशन इज अवेलेबल प्रेजेंटली, देर आर नो टेंट्स। तो यहाँ बैठेंगे हम लोग, यहाँ बैठने वाले हैं हम लोग। अशोक भाई, यू लाइक दिस प्लेस? दिस इज गुड प्लेस, या आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू सिट हियर फॉर अ व्हाइल। और ये देखो पानी बिल्कुल प्योर पानी ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। तो रवि सर, वी आर रेडी फॉर द ब्रेक, विल टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक ओवर हेयर एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। Not this. This place is not even in Kashmir. I been to Kashmir two-three times. मैं दो तीन बार गया हूँ Kashmir. But ऐसा place really good है. मस्त है. See now, this another view. Wow. अरे यार. Fantastic man. ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मस्त टेंट डाल के ना मस्त इधर के दो चार दिन रहने का। जो लोग आते हैं यहाँ पे, बकरवाल वगैरह जो आते हैं उनकी ये हेड है, और ये बेसिकली भद्रवाह वाली साइड में, नागमू वाली साइड में रहते हैं, मीरानगर साइड में रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनका डेरा है। बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, बहुत ही रसूख वाले बंदे हैं, बहुत ही इनके जान पहचान वगैरह है यहाँ पे। कोई भी मतलब कि कोई भी आता है बिल्कुल तहे दिल से उसको वेलकम करते हैं, शुक्रिया करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा क्या, थोड़ा सा बीमार उमर वगैरह हो गए थे पहले? ठीक नहीं। अच्छा, कितने डेरे आते हैं यहाँ पे तकरीबन? डेरा 350 डेरा है। 350 डेरा, तो यहाँ से लोग पैदल जाते हैं? पटर जाने का बकरवाल लोग यहाँ से इधर से जाते हैं, ये रास्ता है, इधर से है रास्ता। तो पटर पहुंचने में कितने दिन लगते हैं? 10-12 दिन लग जाते हैं। 10-12 दिन अपने चलाते रास्ते में।
जाते हैं। तो जनरली लोग आते हैं ग्रेजिंग कराते कराते ना, लोग भैंस आगे अपना भेड़ बकरी वगैरह लेके वहाँ से जाते रहते हैं। गुड प्लेस, नाइस प्लेस। तो सर्दी में आप कौन से महीने तक रहते हैं? इनका बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे और बहुत रिस्पेक्टेबल है, ये इज्जतदार बंदे हैं यहाँ के, बहुत सूख वाले बंदे हैं। तो जब भी आप आओ तो ये थोड़ा सा जाई घाटी नीचे, थोड़ा सा ऊपर अगर आओगे तो बहुत नज़ारा है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग ऊपर की तरफ नहीं आते। रवि सर दिखाओ इधर, कितना बढ़िया यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे आके यहाँ पे आओ घूमो फिरो। लेकिन नंबरदार जी, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे कोई दुकान दुकून खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, कोई टेंट नहीं है, इस बार आए नहीं, कुछ नहीं आया। तो मतलब टूरिस्ट परमिशन नहीं दे रही है? क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं? कुछ झंगलात परमिशन नहीं दे रही है, क्यों, क्या वजह? पता नहीं, पता नहीं। मतलब इससे क्या होता है, इससे लोगों की रौनक बढ़ जाती है। हाँ, रौनक बढ़ जाती है, रोजगार बच्चों को मिल जाता है। रोजगार बच्चों का फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, है ना? कश्मीर में देखो कितनी फैसिलिटी है, कहाँ का पता नहीं। तब क्या कर रहे हैं आप लोग इसकी इस बात की? नहीं यार, ये मानस भाई मैं बोलूं क्या, कंपेयर टू कश्मीर ना थोड़ा टूरिज्म के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जैसे बता रहे ना पिछले साल टेंट वगैरह, इस बार टूरिज्म वाले परमिशन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए परमिशन? यहाँ लोग नहीं आएंगे ना, अगर किसी को रात को रुकना है यहाँ पे, किसी को ये करना है, इधर जगो भाई, जगो भाई आता था, रौनक उसे की होती। कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई इवेंट होता, ना कुछ होता। क्या किया इस बार? परमिशन नहीं दी। तो परमिशन नहीं दी, आपने बताया किसी को भी परमिशन? बोल रहे हैं सब लोग, लोकल लीडर वगैरह को पता नहीं क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम टू है। आई थिंक जो ये लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो आई थिंक मतलब इट शुड रीच दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज की यहाँ पे, अगर इफ यू नॉट प्रमोट इट यहाँ पे, अगर फैसिलिटीज वगैरह क्रिएट, तो यहाँ पे लोग कैसे आएंगे? अगर आएंगे भी तो उनके पास यहाँ फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे लोग अपना यार पतीला चावल वगैरह लेके आते हैं, अपना उसमें बनाते हैं, तो एवरी बडी कैन नॉट डू दैट ना। हम लोग तो नहीं लेके आए ना पतीला, अगर मेरे को भूख लगी मैं कहाँ खाना खाऊंगा? मैं मोहम्मद हुसैन के पास थोड़ी जाऊँगा, वो कितने लोगों को खाना खिलाएगा, राइट? तो इस तरह की फैसिलिटीज वगैरह हैं, आई थिंक इस तरह की फैसिलिटीज वगैरह क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सो गाइज, दिस इज द प्लेस वेयर वी रेस्टेड, हैड वन ग्लास ऑफ मिल्क ऑल्सो। ये है यहाँ पे डेरा, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सुकून है, टोटल सुकून है। मे बी सम पीपल माइट नॉट लाइक इट, बट दिस इज, लेट मी टेल यू, दिस इज ऑसम प्लेस। एंड व्हेन यू कम हेयर यू विल हैव जस्ट वन फीलिंग एंड दैट इज वाउ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जाई घाटी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।